दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Amazon पे आप विदाउट GST कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एज अ बिजनेसमैन या फिर इन फ्यूचर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि GST होता क्या है, कितने टाइप का होता है और कैसे इससे सेल होता है और कैसे हमको ये रिटर्न वगैरह करना रहता है। तो GST तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका कंपोजिट GST। कंपोजिट GST वो होता है, सपोज आप महाराष्ट्र के सेलर हो तो आप खाली महाराष्ट्र में ही सेल कर सकते हैं, आप दिल्ली, गुजरात या किसी भी और स्टेट में सेल नहीं कर सकते। सेकंड होता है रेगुलर GST। रेगुलर GST वो होता है जिसमें आप पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। सेकंड, जितनी भी ई कॉमर्स साइट है वहां पे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, टैक्सेबल प्रोडक्ट, अगर आपको कोई भी टैक्सेबल प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको रेगुलर GST का रिक्वायरमेंट रहेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तीसरा होता है नो GST, यानी कि बहुत सारी ऐसी आइटम्स है जिनके लिए आपको GST नंबर का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। ऐसी बहुत सारी एग्जेम्प्टेड आइटम है जिनके बारे में आपको बात करने वाला हूँ कि आप कैसे एग्जेम्प्टेड आइटम को GST विदाउट GST आप बेच सकते हैं। वैसे बहुत सारी आइटम्स है कि आप जिनको आप विदाउट GST बेच सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ लाइव स्टॉक की, जैसे आप भेड़ बकरी अगर किसी को ऑनलाइन बेचना है तो वो नहीं बेच सकते हैं, राइट। अगर आपको लाइव प्लांट बेचना है ऑनलाइन तो आप नहीं बेच सकते। तो मैंने कुछ 10 ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जिनको आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आज आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो GST एग्जम्प्ट है और आप विदाउट GST उसको ऑनलाइन बेच रहे हो, कल उठ के अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हो जो कि टैक्सेबल हो, तो उस केस में आपको अपना GST नंबर सबमिट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा उस केस में। तो अब मैं बात करता हूँ कौन कौन सी ऐसी आइटम्स है जो कि आप amazon.in या किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला होता है बुक्स। आप बुक्स ऑनलाइन बेच सकते हैं, काफी अच्छी कैटेगरी है ये। बुक्स में आपको वो वाली बुक्स बेचनी है जो पढ़ने के लिए रहती है। अगर आप नोटबुक बेचोगे तो वो GST एग्जम्प्ट नहीं होती है, आपको GST नंबर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। सेकंड, हनी आप बेच सकते हैं ऑनलाइन और ये काफी अच्छी भी बिकती है। इसके बाद आप प्लांट्स के पार्ट्स, आप लाइव प्लांट बेचना थोड़ा डाइसी रहता है, लेकिन आप प्लांट्स के पार्ट, जैसे अगर मैं बात करूँ प्लांट के सीड्स, आप उनके बीज बेच सकते हो। इसके बाद आपका रहता है कोकोनट पाउडर, या फिर आप लाइव कोकोनट भी बेच रहे हो तो वो भी आप बेच सकते हो बेसिकली। इसके बाद आपका आता है जैगरी। जैगरी मीन्स जो आप गुड रहता है वो भी आप ऑनलाइन बेच सकते हो विदाउट हैविंग अ GST नंबर। इसके बाद आप नमक बेच सकते हो। इसके बाद आपके काजल रहते हैं, कुमकुम रहता है, बिंदी, सिंदूर, इसमें जो स्टिक्स वगैरह रहते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है, राइट। इसके बाद आप कॉन्डम्स या कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह भी बेच सकते हैं, रहता है बेसिकली। इसके बाद आप कॉफी बीन्स बेच सकते हो जो कि रोस्टेड नहीं हो। तो ये रहती है कुछ बेसिक आइटम जो आप amazon.in या किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस में बेच सकते हो विदाउट हैविंग अ वैलिड GST नंबर, या फिर आपके पास GST नहीं है तो आप इजीली अपना अकाउंट बना के बेच सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जब भी amazon.in पे GST नंबर का पूछेगा तब आपको वहां पे डालना है, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा आई सेल इन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। तो वहां पे आपको आई सेल इन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी चूज करना है और वो करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। तो ऐसे सिंपली आप अमेजोन पे सेल कर पाओगे विदाउट हैविंग अ GST नंबर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।